सकता हूं कि एक रकम जो 22 अरब 17 करोड़, क्योंकि वजीर खजाना साहब ने 22 अरब को जरा आस्ता आस्ता बोला, मैं जोर से बोलता हूँ, सब सुन ले, 22 अरब ने भी वही लिया, इंजीनियर है ना, उसने भी 22 अरब वाला तहरीक लिया है, 22 अरब 17 करोड़ 76,03,900 रुपए कुल मुतालबा दर्ज बसिलसिले अहमद पुलिस में बकदर 1 रुपए की तख़फीफ की जाए, 22 अरब रुपए, मतलब अमन अमान के लिए भी खर्च नहीं करे, पुलिसों को भी तनख्वाह काट दें। तहरीक पेश हुई है, इसकी वजाहत कौन करेंगे? वजाहत सब करेंगे, नहीं आप तो नहीं कर सकते, आप नहीं है, नहीं नहीं आप मुरकिन में से नहीं है, अपना नाम लाएं फिर। जनाब स्पीकर, यहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर साहब और हमारे दूसरे वज़रा साहिबान ये कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, और हम भी कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि इस साल जो हमारा ये साल गुजरा है जिसमें हमने 22 अरब रुपए दिए हैं, हमारा पुलिस का निज़ाम और हमारा जो है ना अमन अमान का निज़ाम काफ़ी बेहतर रहा है। अगर काफ़ी बेहतर रहा है और सब चीज़ों को कंट्रोल किया, तो ये 22 अरब रुपए किस मद में खर्च किए, ये 22 अरब रुपए उन्होंने किसको दे दिए और किस मद में खर्च हो गए? क्योंकि पुलिस के लिए भी बजट में पैसे मुख्तस किए गए थे 2019-20 के, उसमें भी पैसे जमा किए, ये 22 अरब का समझ नहीं आ रहा कि ये 22 अरब रुपए उनको किस लिए दिए गए, इनकी ज़रा वजाहत हो जाए। और मेरे ख्याल में ये कुछ ज़्यादा रकम है, 22 अरब जो इस सूबे का हम उठा के पुलिस को दे रहे हो, पुलिस की कारकर्दगी का आलम ये है कि बच्चियों को भी रोड पे घसीट के ले जा रहे हैं, तलबा को भी घसीट के ले जा, उसके अलावा पुलिस का मेरे ख्याल में पुलिस का कोई कारकर्दगी में नजर नहीं आ रहा है। ये 22 अरब रुपए वापस किया जाए और 22 अरब रुपए बलूचिस्तान के खजाने में गरीब आवाम के लिए जमा किया जाए। चलो इस पे वो गया।